बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद खुबैब। आज का जो हमारा मौजू है कि जानवर हीट में नहीं आते, अगर हीट में आते हैं तो जानवर बार बार रिपीट क्यों होते हैं, जानवर प्रेग्नेंट क्यों नहीं होते हैं गर्मियों में, क्या मसला बन जाता है, इनका क्या हल किया जाए, जानवर हीट में भी आ जाए और प्रेग्नेंट भी हो जाए। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि हमारे जानवर हीट में क्यों नहीं आते। जब हम अपने जानवर को गैर मुतवाजन खुराक देते हैं, मुतवाजन खुराक नहीं देते, उनको वंडा हम नहीं खिलाते, प्रोटीन वाली खुराक नहीं देते, जिससे जानवर हीट में नहीं आते, क्योंकि जानवर की बढ़ोतरी नहीं होती, गोश्त का वज़न ज़्यादा नहीं होता, जानवर को मिनरल नहीं मिलते, प्रोटीन वाली खुराक नहीं मिलती, जिसकी वजह से जानवर के जिस्म के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मिनरल नमकियात की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जानवर हीट में नहीं आते। इसलिए अगर आप अपने जानवर को जल्दी हीट में लाना चाहते हैं तो आप अपने जानवर को खल की बजाय वंडा का इस्तेमाल करें। आप अपने जानवर को 1.5 से 2 किलो सुबह शाम आप वंडा इस्तेमाल करेंगे और LS मिनरल या अच्छा सा मिनरल आप 100 ग्राम डेली बेसिस पर 2 से 3 पैकेट खिलाएंगे, आपका जानवर हीट में आ जाएगा। अक्सर जानवर हीट में इसलिए नहीं आते क्योंकि उनको खुराक अच्छी नहीं दी जाती, उनको वंडा या प्रोटीन वाली खुराक नहीं दी जाती, और ज़्यादा दूध देने वाला जानवर ज़्यादा दूध देने की वजह से उनमें मिनरल की कमी पाई जाती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिसकी वजह से जानवर हीट में नहीं आते। इसलिए जानवरों को मिनरल्स और प्रोटीन वाली खुराक दी जाए, जिससे जानवर हीट में आ जाते हैं। दूसरे नंबर पर अक्सर फार्मर हजरात परेशान होते हैं कि हमारा जानवर बार बार रिपीट होता है, उसको इंजेक्शन टीका रखवाया है, इंसेमिनेट भी करवाया है और सांड से भी मिलाई कराई है, बैल से भी मिलाई कराई है, जिससे फिर भी वो जानवर नहीं ठहर रहा, उसका क्या मसला है, क्यों बार बार रिपीट हो रहा है। अक्सर जो लोकल डॉक्टर होते हैं, जानवर को या हीट कम होती है या हीट ज़्यादा होती है, वो इंसेमिनेट जानवर को कर देते हैं, जिससे जानवर इंसेमिनेट नहीं होता, इससे उनकी फील्ड भी मुतासर होती है और जानवर का मालिक भी बहुत परेशान होता है। इससे जानवर के मालिक फार्मर का क्या नुकसान होता है कि जब जानवर की हीट कम हो या हीट ज़्यादा हो, अगर हीट कम हो तो उसको इंजेक्शन रखा जाए तो फिर जो है ना बच्चेदानी ख़राब होने का अंदेशा होता है, अगर हीट ज़्यादा हो तो इंजेक्शन रखा जाए तो जानवर हमला नहीं होता, बल्कि जानवर की हीट ज़्यादा होने की वजह से वो सारा इंसेमिनेट, सारे स्पर्म ख़त्म हो जाते हैं, डेड होकर बाहर निकल आते हैं। इसलिए जानवर को नॉर्मल हीट में इंजेक्शन रखना चाहिए। जब जानवर की हीट नॉर्मल हो जाए, जानवर आवाज़ें निकालना बंद कर दे और म्यूकस जो तार सी बनी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता गिरना बंद हो जाए और जानवर आवाज़ें निकालना भी बंद कर दे। इसके बाद आपने अपने जानवर को जब नॉर्मल हीट हो जाए उसको इंजेक्शन रखवाएं। आप उस डॉक्टर से पूछ लें कि जानवर की हीट है या नहीं है, तेज़ हीट है तो आप उसको इंजेक्शन ना रखवाएं, बल्कि आप उसको पेट्रोल के पैसे जेब खर्च देकर रवाना कर दें। दोबारा जब आपके जानवर की हीट नॉर्मल हो जाए उसे पूछ लें, उस टाइम पर आप अपने जानवर को इंजेक्शन रखवाएं। गर्मियों में जब आप जानवर को इंसेमिनेट करवाएं, उसके फौरन बाद आप अपने जानवर को नहला दें, खूब नहलाएँ ताकि वो खूब ठंडा हो जाए। आप अपने जानवर को गुड़ वाला और ग्लूकोज का पानी भी पिला सकते हैं और अपने जानवर को तेल भी पिला सकते हैं, जिससे आपके जानवर की हीट ख़त्म हो जाएगी और जानवर के 100% प्रेग्नेंट हमला होने के चांस बन जाते हैं।
इसलिए आप अपने जानवरों को गर्मियों में सुबह शाम नहलाएं, जब इंसेमिनेट करवाएं, इंजेक्शन रखवाएं, सुबह शाम उनको नहलाएं, ग्लूकोज और गुड़ वाला पानी पिलाएं ताकि उसकी हीट सारी ख़त्म हो जाए। इंशाल्लाह हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।